अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। सो आज मैं जो आप लोगों के लिए एक नया डेकोरेशन पीस लेकर आई हूँ वो ये है। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चूड़ियाँ, एक ग्लू गम चाहिए और एक आप कोई भी पेपर ले सकते हैं अपनी पसंद का। ठीक है, सिंपल वाइट पेपर ले लें, कलरफुल पेपर ले लें, कंप्यूटर शीट जो मर्जी ले लें आप। इसकी जगह आप लोग ग्लिटर पेपर या फोमिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है सिंपल, और ये कुछ बैंगल्स हैं, और ये मेरे पास एक यूएचयू है। ठीक है, कोई भी गम स्टिक आप ले सकते हैं। सो गाइस, ये कैसे बनेगा? आपने क्या करना है, आपने पहले कोई भी चार चूड़ियाँ ले लेनी हैं जो कि आगे पीछे ना होती हों। ठीक है, जो कि सेम हों, ऐसे इनके दरमियान डिस्टेंस ना बचे। ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए। आपने इनको क्या करना है, इनको आपने जोड़ लेना है ग्लू गम से। ये देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वो बनाना सिखाया था बटरफ्लाई, और अगर आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाजमी देखिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देखें। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब ये सूख रहा है तो हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, एक साइड पे हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेपर है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर के साथ हम कोई भी एक पेंसिल ले लेंगे। ठीक है, ये हमने पेंसिल ले ली, अब हम इसको क्या करेंगे, ये एक चूड़ी लेनी है और इसके ऊपर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया, एक और आपने दो ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। ठीक है, इसको कट ऑफ कर लेंगे, इसको सीजर से या कटर से, जिस भी चीज़ के साथ आपको कट करना चाहिए। हमने इसको काट लिया, काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर इसको ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ऐसे ऐसे बनेगा ये। तो ये सूख गया है, हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं किनारों से। ये एक बन गया, इसी तरह हम लोग दूसरा करेंगे। ठीक है, ये वाला कट ऑफ करेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये मैंने कट ऑफ कर लिया है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमने एक और ऐसा सेट बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसी चूड़ियाँ ले लेंगे और इसके साइड पे ये लगा देंगे।
ये देखें, ये इस तरह आपने करना है, ठीक है। जब ये, अब हम इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, जब ये सूख जाएगा तो हमने करना है इसी को इस पर ऐसे चिपका देना है, तो हम इसके सूखने का वेट करते हैं। सो गाइस देखें, मैंने इसको चिपका लिया है, और अब ये देखें, मैंने इसको जो यहाँ पे थ्रेड पड़ा हुआ था उसके साथ मैंने सीजर के साथ उसको कट किया है। अब मैं इसको ये ऊपर ऐसे चिपका दूँगी। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, अब ये हमारा एक डेकोरेशन पीस तैयार हो गया है। इसके अंदर ये देखें, ये हमने इसको ऐसे बंद कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत बैंगल्स का सेट है, आप इसको अपने शोकेस के आगे रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के आगे। इसके अंदर आप अपनी रिंग्स डाल सकते हैं, एयररिंग्स डाल सकते हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल आप अपना नेकलेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीस कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको ये प्यारा लगा है और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन पीस कैसा लगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।